तो कैसे हैं आप लोग? भोजन के आविष्कार रुक नहीं रहे हैं। पिज्जा बर्गर तक ठीक था, लेकिन जब से ये मैगी, एक तो मैगी ना डिस्ट्रैक्ट की तरह है, सब बना लेते और सबको लगता है उनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता। खाने का खेल बना रखा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आज हम उसी सीमा का इम्तिहान लेने वाले हैं। तो आओ यार, पालक पनीर को सलाम ठोकते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब एक सफाई कर्मचारी हलवाई को पकौड़े तलते देख बोला, साथ दो चार दे दो, मेरे बच्चे को पोलियो है। मगर उसको क्या पता था पकोड़े के अंदर पोलियो है। ये खाने के नियम नहीं तोड़ रहे, ये बिजनेस कर रहे हैं। वुल्फ ऑफ दी वॉल स्ट्रीट वाला कहता है, ये पेन बेच के दिखाओ तब मानूंगा। अबे तू ये बेच के दिखा तब तुझे मानेंगे। अब चलते हैं उस पकवान पे जिसकी पिचकारी मारना एक कला है। कौन सा तोड़ पान है वो? पलंग तोड़ पान भी है, सुहागरात वाला भी है। पलंग तोड़ भी है, सुहागरात वाला भी है। और कमर के दर्द वाला भी है, सेम जलन का भी है, सेम जलन का भी है। बस लन पंडी खाने यार, ये भी कोई बताने की बात है? सोचो तुम दुकान पे जाओ और बोलो, खा रहे हम यहाँ पे पान। लंडे ले ले। कुछ पानों को अपने पास ही रखना चाहिए, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। मन में फूल खिल कर खुश हो, शाम से आबाद रहो, बोलो कूदो और जिंदगी के हर रफ्तार में बहुत आगे बढ़ो, तो सदा स्वाद। वाह, मोटिवेशनल पान। 20 का पान, 30 की मोटिवेशन। सोचो संदीप महेश्वरी थी मोटिवेटर, पान खाते हुए मोटिवेशन दे रहे हैं। अरे हम बता रहे हैं स्टार्टअप खोलो बे मट्ठी चोर, हम करेंगे इन्वेस्ट, बैठे बैठे इंटरनेट कुछ नहीं होगा। अब चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास मिसाइल और हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा मोमो। मेरा नासा से सवाल है कि ये जो मोमो के नाम पे नेपाली पराठा बना दिया है, ये विशाल चाइनीज पकवान मुंह में कैसे जाएगा? मैदा खाने की आपको जरूरत नहीं है, मैदा को आप छोड़ दीजिए। अंदर आपको मिलेगा हाका नूडल है, चेजन राइस है, मंचूरियन है और चिली पनीर है। अबे आविष्कारी मेंढक को जब छिलका ही उतार दिया तो काय बात का मोमो। मोमो के नाम पे चाइनीज खिचड़ी खिला रहे हैं। कल को अपनी साइकिल पे प्लेन के पहिए लगा के टिकट काटना चालू कर देंगे। गाइस ये है इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा। इंडिया का सबसे बड़ा गोलगप्पा गोल ही नहीं है, और इसे खाना है कि जलाना है? चाट से ज्यादा पटाखा लग रहा है भाई, मुंह में कैसे लिया जाएगा इसको? जाएंगा। बड़े बूढ़े कह गए हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास जो है उसका इस्तेमाल करो। नहीं, जरूरी नहीं है, मेरे पास गुब्बारा है, गाड़ी के टायर में हवा भर दूं, मेरे पास चड्डी है, पैराशूट बना दूं, मेरे पास चश्मा है, चांद दिखा दूं। जाएंगा जाएंगा बोल बोल के मिल्टन की बोतल दे दे मुंह में। अब चलते हैं उस लोकप्रिय पकवान पे जिसे बनाने के लिए एक बावर्ची नहीं साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए, मैगी। मैगी बनानी उतनी ही मुश्किल है जितना अंबानी के बेटे को काम मिलना। मैगी एक मैदान की तरह है जहां मैं बहुत कुछ खेल सकता हूँ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लेकिन जिस दिन उस मैदान पे मैंने तैरना चालू कर दिया उस दिन गांड मेरी शानी हो गई, झाट मेरे नोबल हो गए, अपनी नजर में तो मैं साइंटिस्ट हो गया। आओ तुम्हें कुछ साइंस प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। चौधरी की कुल्फी मैगी, राजेश की माँ के मैगी पकोड़े, राजेश के बाप के मैगी लड्डू, ओल्ड मॉन्क की चूची मैगी बियर, मिठ मीठी मिठाई मोट आइसक्रीम ओरियो मैगी, और पहले नंबर पे आ रहा स्टीवन हॉकिंग का 14 मैगी मिल्क शेक। अरे बाप रे, इतना बड़ा रिएक्शन तो ऐसे दे रहे जैसे सामने से मैगी नहीं खली आ रहा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा। 3, 2, 1 ये हरकतें तुम्हें साइंटिस्ट से यूरोनर बना देती हैं। प्रकृति को धोखा दिया जा रहा है, मिल्क शेक को हाथों से खा जा रहा है। आज से खाने को पी जाओ, पीने को खा जाओ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। धिनचक पूजा को और लिरिक्स मत दो। अब मुझे तुम्हें एक और साइंटिस्ट से मिलवाना, लेकिन ये मैटर मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है। कॉम्प्लिकेटेड मैगी, बड़ा मैगी, सनी लियोनी मैगी, कैरी मिनाटी, छोटा भी, ये 60 रुपए की प्लेट है ये कैरी मिनाटी मैगी। अगर मैं इस दुकान के साइड में खड़ा होकर अपना शरीर बेचना चालू कर दूं तो 120 से ज्यादा मांग नहीं सकता, क्योंकि एवरेज तो 60 रुपए चल रहा है। ये डाल दिया भाई मिर्ची तो भैया, इसका कैरी मिनाटी मैगी नाम कैसे पड़ा? ये हमारी सबसे स्पाइसीस्ट मैगी है। अच्छा, जैसे उसकी वीडियो वगैरह देखते हो। हाँ जी, तन बदन में आग लग जाती है, सेम कौन सा दिखता है तो खाने के बाद में आपको तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा, मेरी वीडियो देख के तन बदन में आग लग जाती है इसलिए मिर्ची डाल दी। तो भैया जी, सनी लियोनी मैगी में क्या डालते हो? बच्चन जी नहीं। अब यहाँ लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हैं, लेकिन एक बीमारी है जो है कितनी ही कोशिश कर लो
फैलती नहीं। उस सर्वनाशक बीमारी का नाम है हाइजीन। चावल से मुंह धोया जा रहा है। ये चाचा चौधरी के वंशज इतने चलाक हैं, इन्हें लगता है चम्मच सिर्फ खाना मंगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं ये। जब तक कढ़ाई चिकन मेरी आंखों में ना घुसाओ और नान पे लगा मक्खन मेरी कोहनी से ना टपक रहा हो तब तक मजे ही नहीं आते। ये बिन सूंड का बच्चा हाथी जितना खा रहा उससे ज्यादा गिरा रहा है। हुसैन बोल्ट के इतनी तेज पैर नहीं चलते जितना तेज इनका मुंह चलता है। ये फूड चैलेंज नहीं, कुदरत को चैलेंज है। चैलेंज बोल के एक दिन जूता मत खा जाइयो। अबे इनमें कौन चाबी भर जाता है? एक तो दो सेकंड रुकते हुए निकल कर निकलना चालू कर देंगे। हर नाई को ना ऐसा लौंडा अपने साथ रखना चाहिए कि कभी डीप कटिंग करनी पड़ी तो। अब हट गंदा। ऐसी मुंह की खूबसूरती देखने के बाद मन कर रहा कैरी मिनाटी मैगी में जहर खोल के खा जाऊं, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे बेहतर हथियार पहले से बन रखा है। देखो भाई, पूरा मसाला बना रहे भैया साहब। लेते हैं पहले बर्फ पे गांड रगड़ के आइस गोला बेचा जा रहा है। नमकीन पकोड़े में पसीना इस्तेमाल किया जा रहा है और मसालेदार पानी को हाथों से बनाया जा रहा है। अबे हक दोना खाने पे कम से कम खतरा दिखाई तो देगा। ये पानी पी के दिखा दो, पेट में से ऐसा केचुआ निकलेगा डॉक्टर भी बोलेगा अरे इतना बड़ा। बस बस बस, ऐसी एक और बकचोदी देख ली तो सबके सब उल्टी मारते फिरोगे। अब अगर तुम लोग चाहते हो ऐसी खाने की बकचोदी पे और वीडियोस बनाई जाए तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और याद रहे ये वीडियो मजाक है, बकचोदी है, तो जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उन्हें हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी उंगलियां काबू में रखो। अब चलो मैं भी जा रहा हूं, मुझे बर्फ पे अपना मुंह रगड़ना है। बाय मोहित। अबे यार बिग बॉस खत्म हो गया, अब 1 महीना लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। हेलो सनी पाजी बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हो? मैं इलोन मस्क का छोटा बोल रहा हूँ। आपको हमारे मंगल ग्रह प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है। ओ वाओ, कब बिठा रहे हो रॉकेट में? उससे पहले हमें आपका IQ टेस्ट लेना होगा। बहुत लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड का CV भी याद नहीं रहता, क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद है, 753। ओके, OTP आया होगा? हाँ 4183। शुक्रिया सनी पाजी, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। ओए बॉबी, मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूँ, परिवार का ध्यान रखना। ये अमेज़न से 4 लाख की शॉपिंग किसने की है? पापा मेरी गांड ले लेंगे। और ये इलॉन मस्क के चौधरी ने मुझे लूट लिया।